हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल पर सी टैट की प्रेपरेशन के लिए स्मार्ट वीडियोस अवेलेबल हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं सी टैट जुलाई 2019 के फॉर्म करेक्शन की। इस बार के सी टैट को देखा जाए तो इस बार बहुत सारे कैंडिडेट ने जुलाई 2019 के फॉर्म को फिल किया है, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो फॉर्म में कोई ना कोई गलती कर बैठे हैं, और जिन कैंडिडेट से फॉर्म फिल करते समय मिस्टेक हो गई है तो हम आपको बता देते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी कैंडिडेट्स को बोर्ड की ओर से मिस्टेक्स को ठीक करने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। आप ये करेक्शन 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक कर सकते हैं, और जहां पर साफ साफ लिखा है कि ये वाली करेक्शन सिर्फ ऑनलाइन ही की जा सकती है। और इम्पॉर्टेंट बात, आप करेक्शंस को लेकर किसी भी ऑफलाइन मोड का इस्तेमाल ना करें। करेक्शंस के लिए आप सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट ctat.nic.in का इस्तेमाल करें। आगे आप देख लेते हैं किन किन चीजों में करेक्शन की जा सकती है। आप नेम में करेक्शन कर सकते हैं, फादर नेम में, मदर नेम में करेक्शन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में, कैटेगरी में, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में, आपने जो पेपर ऑप्ट किया है उसमें भी चेंज कर सकते हैं, पेपर टू के सब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर की चॉइस में चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज वन और टू जो ऑप्ट किया उनमें चेंजेस कर सकते हैं, एड्रेस में चेंज की जा सकती है, आपने जो अपने बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम फिल किया है उसमें चेंज की जा सकती है, और जिनकी मिस्टेक्स उनके एलिजिबिलिटी ऑप्शन में है। कई स्टूडेंट्स अजिहे भी हैं जिनकी मिस्टेक्स उनके एलिजिबिलिटी के ऑप्शन में हुई है, जहां पर ये नहीं बताया गया है कि आप एलिजिबिलिटी ऑप्शन में चेंज कर सकते हैं या नहीं। जब करेक्शंस के लिए ऑफिशियल लिंक आ जाएगा तब हम आपको बता देंगे कि आप एलिजिबिलिटी ऑप्शन में चेंज कर सकते हैं या नहीं। इसके बारे में जब ऑफिशियल लिंक आ जाएगा तब हम आपको अपडेट कर देंगे। और अगर आपको किसी भी चीज को लेकर डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। और अगर आप सी टैट की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर देखें। थैंक यू जी।